हाय ब्रीमर, रेलवे गार्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में मुकाबला करवाएंगे ट्रेन मैनेजर को सीनियर सीसीटीसी से, तो बड़ा ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, दोनों ही लेवल 5 की पोस्ट हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न इन्हीं दो पोस्ट में होता है कि कौन सी पोस्ट को आपको सिलेक्ट करना चाहिए। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा लेवल 5 की डिमांडिंग वाली पोस्ट ये ही दो पोस्ट है, ठीक है। तो बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, प्रमोशन के बारे में जानेंगे, सैलरी के बारे में जानेंगे, और लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे, वर्क लोड के बारे में जानेंगे, और बहुत कुछ जानने वाले इस वीडियो में। तो आप बने रहिए मेरे साथ, चलिए स्टार्ट कर दो। तो मैं आपको बता दूं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। दोनों ही लेवल 5 का जो एग्ज़ाम होता है, एक ही एग्ज़ाम से दोनों के पोस्ट को अलॉट किया जाता है। केवल इनमें डिफरेंस क्या है, गुड्स गार्ड का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, और जबकि सीनियर सीसीटीसी का कट ऑफ थोड़ा लो जाता है। ये डिमांड के ऊपर होती है, इसका मतलब गुड्स गार्ड की डिमांड ज़्यादा ही होती है, पहली बात। और दूसरा क्या होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड गुड्स गार्ड का A2 है, सीनियर सीसीटीसी का B2 है। RRB NTPC के थ्रू दोनों का ही मतलब सिलेक्शन होता है। दोनों ही पोस्ट में आप जा सकते हो, लेवल 5 का एक ही एग्ज़ाम होता है, और मेरिट और मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट चेंज होती है। तो यहाँ पे दोनों ही लेवल 5 के सेम पोस्ट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर पे मुकाबला इनका चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो सबसे मज़ेदार वीडियो होने वाली है सैलरी। आपकी 2023 के अकॉर्डिंग ट्रेन मैनेजर यानी गुड्स गार्ड की सैलरी क्या होने वाली है। इधर सीनियर सीसीटीसी के मैं स्पेशली टीटी का मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कंपैरिजन थोड़ा बराबर वाले मुकाबले में होना चाहिए, मतलब बराबर ताकत वाले कैंडिडेट में होने चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ट्रेन मैनेजर की जो बेसिक है मैं आपको बता दूँ, इनको क्या होता है, जो बेसिक होता है इनका 29,200, उसमें 30% एक्स्ट्रा इनको मिलता है गुड्स कार्ड वालों को। इसका मतलब बेसिक का जो 130% मैंने यहाँ कैलकुलेट करके रख दिया है, 37,960 रुपये। इसके अलावा DA जो आपको मिलता है वो 37,960 का 42% निकाल दिया है, क्योंकि जो नए रिक्रूटमेंट हो गए 2019 से, उनको इतना ही मिलने वाला है। तो 15,943 उनका DA हो गया। इसके बाद 9%, 18%, 27% आपको HRA मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ पे एवरेज HRA लिया है 18%, तो आपका 6,832। इसके अलावा ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, किलोमीटर अलाउंस, इनका एक बोनस पॉइंट होता है। ये यहाँ पे लीड ले जाते हैं ट्रेन मैनेजर सभी पोस्ट से। इनका जो किलोमीटर अलाउंस होता है, जनरली ALP वालों को भी मिलता है और इनको मिलता है। तो इसका एवरेज जो किलोमीटर अलाउंस होता है स्टार्टिंग में, वो 4.75 यानी लगभग ₹4.5 आपको पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है। तो ऑन एवरेज एक महीने में लगभग 5,000 किलोमीटर का एवरेज लगा लिया जाता है कि आपकी गाड़ी 5,000 किलोमीटर चलेगी, और आपको 5,000 किलोमीटर के अकॉर्डिंग 4.75 का जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 20,000+ तो आपके किलोमीटर अलाउंस ही हो जाता है। यहाँ पे मैंने जब कैलकुलेट किया था 23,500 आ रहा था। इसके अलावा CA यानी सेल फोन अलाउंस एक मिलता है, ठीक है, सेलुलर अलाउंस बोलते हैं। इसके बाद नेशनल हॉलीडे अलाउंस होता है, NDA होता है, ठीक है, बहुत सारे जो फैसिलिटी होते हैं। तो इन टोटल फैसिलिटी को मिला के करीब आपके 90,000 ग्रॉस सैलरी पहुंच जाती है। जी हाँ, 90,000 ग्रॉस सैलरी पहुंच जाती है 2023 के अकॉर्डिंग। सैलरी आपकी इससे कम नहीं होने वाले। अब इसमें क्या डिफरेंस आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, कि स्टार्टिंग में आपका मान लो आपकी जो ट्रेन चल रही है वो 5,000 किलोमीटर ना चले, तो आपका जो किलोमीटर जो अलाउंस बनता है वो थोड़ा कम भी हो सकता है। तो वो अगर 5,000 कम भी कर दो तो 85,000 हो जाएगा, राइट। बाकी सारी चीज़ को आप कम नहीं कर सकते, वो फिक्स है। तो 85,000 तो है ही है, और बल्कि 90,000 भी आपका अप्रॉक्स पहुंच जाता है। इधर सीनियर सीसीटीसी की सैलरी के बारे में आपको बता दूं, बेसिक 29,200 है, इसका DO 42% मैंने निकाल के पहले ही रख दिया है, 12,264। इसके अलावा HRA मैंने 18% ही कैलकुलेट इधर भी किया है, 5,256। इनके अलावा इनको भी नाइट ड्यूटी अलाउंस तो इनको नहीं मिलता, क्योंकि इनका रनिंग स्टाफ रहता है, लेकिन इनको अदर अलाउंस मिलते हैं, ओवर टाइम मिलता है, और भी बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। साथ ही साथ इनको रनिंग अलाउंस मिलता है, इनका स्पेशली जो पॉइंट होता है वो फिक्स है, वो किलोमीटर के हिसाब से नहीं मिलता, उनको ₹500 पर डे के हिसाब से मिलता है। तो टोटल 15,000 रुपये एक्स्ट्रा इनके बन जाते हैं एवरेज एक मंथ में। तो इनका टोटल जब ऐड करते हैं तो 60,000+ सैलरी इनकी ईजिली पहुँच जाती है, 60,000+ है, बल्कि 65,000 तक उनकी सैलरी पहुँच जाती है। तो सैलरी वाइज आप तो देख ही सकते तो क्लियरली ट्रेन मैनेजर विन कर रहा है, जीत रहा है, ठीक है। और सैलरी की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट की डिमांड होती है कि भाई साहब उनको गुड्स गार्ड ही बनना है किसी भी कीमत पे। आगे बढ़ते हैं,
तो इनका चल वर्क और देखते हैं, इनका वर्क दोनों का 8 घंटे का है और वर्क का टाइम दोनों ही रनिंग स्टाफ है तो कम ज़्यादा होता रहता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। रेलवे का जनरली काम होता है 8 घंटे का, लेकिन ओवर टाइम इनमें लग जाता है, ठीक है, कम भी हो जाता है ज़्यादा भी हो जाता है। और जब भी ओवर टाइम होता है ओवर टाइम के पैसे भी मिलते हैं। और साथ ही साथ जब ट्रेन मैनेजर की बात करें तो इनका काम क्या रहता है, जो सबसे पहले 2-3 साल इनका जब तक प्रमोशन ना हो जाए, स्टार्टिंग में जो मालगाड़ी होती है कोयला वगैरह की पार्सल की, जिसमें पीछे का जो बॉगी रहता है जिसमें लाइट भी नहीं आती, तो इन पे वर्क प्लेस प्रेशर सबसे ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। गर्मियों में गर्मी लगे, सर्दियों में सर्दी, बरसात में भी दिक्कत, कभी आउटर पे खड़ी हो जाए तो भी, मतलब इनका बड़ मेहनत वाला काम है, जैसे एक सोल्जर होता है फौजी वाला वैसा उनका काम होता है, राइट। तो इनमें वर्कलोड मॉडरेट टू हाई रहता है। अब मॉडरेट मैंने क्यों यहाँ पे लिया है, क्योंकि जब जैसे ही आप एक्सप्रेस ट्रेन या पैसेंजर सुपरफास्ट में पहुँच जाते हैं तो आपका वर्कलोड थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आपका जो पीछे वाला बोगी होता है उसमें लाइट की फैसिलिटी, बल्कि पंखे वंखे सबकी फैसिलिटी हो जाती है, आप रेस्ट कर सकते हो आराम से, सीट वीट होती है, तो वहाँ पे आपका जो काम होता है वो मॉडरेट हो जाता है। बल्कि इनको एक और काम क्या करना पड़ता है, जिस भी स्टेशन से जैसे ही गुजरे तो इनको उसका टाइमिंग एक रजिस्टर में नोट करना होता है कि इतने स्टेशन पे 4 बजे के 10 मिनट पे बड़ौदा मतलब दिल्ली स्टेशन से गुजरी है, आगरा स्टेशन से गुजरी है, तो उस हिसाब से इनको एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है। छोटे छोटे से स्टेशन से भी गुजरे वहाँ पर भी इनको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो स्टार्टिंग के 3-4 साल में अगर देखो तो ट्रेन मैनेजर को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वर्कलोड हाई रहता है, लेकिन बाद में इनका इजी हो जाता है, राइट। तो इनकी सैलरी भी अच्छी तो है ही, सैलरी के मुकाबले में ट्रेन मैनेजर जीत ही रहा है। और जबकि इधर तो 8 घंटे ओवर टाइम इनको भी पैसे मिलते हैं। इनका स्टार्टिंग क्या होता है, गुड्स गार्ड से, वो गुड्स जो मालगाड़ी होती है उनकी, उनमें इनकी ड्यूटी तो होनी नहीं है, इनकी ड्यूटी कहाँ होती है, पैसेंजर ट्रेन में, स्टार्टिंग में, सुपर फास्ट ट्रेन में, यानी सीनियर टीटी होते हैं, तो इनकी जाहिर सी बात है अच्छी ट्रेन में इनकी होगी। तो इनका जो वर्क प्रेशर होता है वो लो टू मॉडरेट होता है, मॉडरेट से ज़्यादा कभी नहीं जाता। तो काम के मामले में अगर देखा जाए, वर्कलोड के मामले में सीनियर सीसीटीसी यहाँ पे जीतता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रेन मैनेजर के प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 का मतलब आप समझ सकते हो, सबसे नीचे कौन सा रहने वाला है, लेवल 1 और लेवल 4 प्रमोशन पे। तो प्रमोशन सबसे पहले ट्रेन मैनेजर के बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जैसे ही आप ट्रेन मैनेजर बनते हो, स्टार्टिंग में गुड्स ट्रेन होती है जो मालगाड़ी होती है उसमें आप गुड्स ट्रेन मैनेजर बोलते हैं उनको। स्टार्टिंग में आप वो होते हैं 28 GP के, यानी 28 ग्रेड पे के आप होते हैं, 29,220 का रहता है। इसके बाद आपका प्रमोशन होता है तो आपका जो 4200 GP में आप जाते हो प्रमोशन होता रहता है, 4200 GP से आगे बढ़ ही नहीं पाते। सैलरी बढ़ती है, सब कुछ होता है, लेकिन आपका जो पोस्ट का जो GP होता है या पोस्ट का जो लेवल होता है वो ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो आप कहाँ तक प्रमोशन हो सकते हो, जो मालगाड़ी से आप स्टार्टिंग में सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर बन जाओगे तो पैसेंजर में आ जाओगे, इसके बाद एक्सप्रेस में आ जाओगे, सुपर फास्ट में आ जाओगे, ऐसे ही प्रमोशन होके आपकी सुविधाएं थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती हैं, अच्छी ट्रेन में आ जाओगे, यानी अच्छी सुविधाएँ आपको मिलेंगी, AC का कोच मिल जाएगा लास्ट में आके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाले। और इधर अगर आप देखें सीनियर सीसीटीसी का प्रमोशन, इनमें क्या होता है, आपको सीनियर सीसीटीसी 2800 ग्रेड पे सेमी लेवल है, इसके बाद 4200 ग्रेड पे, इसके बाद कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं, 4600 ग्रेड तक पहुंच जाते हैं। तो अगर पोस्ट वाइज अगर बात करो और लेवल वाइज बात करो, यहाँ सीनियर सीसीटीसी जीत जीत जाता है, क्योंकि 4600 ग्रेड पे तक आप पहुँच जाते हो इजली, यहाँ पे 4200 ग्रेड पे पहुंच जाते हो। इनका ट्रेन मैनेजर की सैलरी फिर भी ज़्यादा रहती है, क्यों रहती है ज़्यादा, क्योंकि इनको किलोमीटर अलाउंस फिर भी मिलता है, किलोमीटर अलाउंस भी इनका बढ़ता जाता है, तो किलोमीटर अलाउंस के हिसाब से इनकी सैलरी हाइक कर जाती है। लेकिन एंड पे जब प्रमोशन होके ट्रेन मैनेजर लास्ट में, इनका वर्कलोड थोड़ा कम ही हो जाता है। और जबकि यहाँ पे 4600 ग्रेड तक तो आप नॉर्मली पहुँच सकते हो, बाद में जो अगर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के तो आप ACM की पोस्ट ले सकते हो, लेवल 8 की पोस्ट है, गैजेट ऑफिसर रैंक की B ग्रेड की भी पोस्ट होती है, बाद में आप प्रमोशन होकर A ग्रेड में जा सकते हैं। इधर भी ट्रेन मैनेजर में आप उसमें भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की बात करो तो फिर तो आपका आगे आप अच्छी पोस्ट ले ही सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपका रिप्लाई 5 मिनट में दूंगा। ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ रहे।